नमस्कार, स्ट्रिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ रमेश सिंह। पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, मानो पहाड़ कह रहे हो कि अब बोझ ज्यादा कंक्रीट के जंगल का सहन नहीं किया जा सकता है। जंगल में हो रहे हैं तब्दील। क्या है पहाड़ की पीड़ा, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पहाड़ हूँ, मेरा नाम हिमाचल प्रदेश है। यहाँ देश विदेश के सैलानी प्रदेश को स्वर्ग समझ सैर करने आते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों, नदी नाले, झरने, खेत खलियान और हरियाली को अपने कैमरों में कैद करते हैं। हरे भरे पेड़ पौधों, हरियाली में देवत्व बसता है। यूं भी हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है, जबकि माता पार्वती को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। मैं हिम का ही आंचल हूँ, लेकिन अब मैं नारकीय स्थिति झेल रहा हूँ। पहाड़ का सीना चीर कर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया गया, वर्षों से, कई दशकों से। मैं चुपचाप सिसकता रहा, भीतर ही भीतर रोता रहा। मेरे सहन करने की सीमा समाप्त हो गई है। चर्चित कवि मोहन साहिल के कविता संग्रह एक दिन टूट जाएगा पहाड़ में काफी दूर तक भविष्य को कवि झांक लेते हैं। नमस्कार साथियों, आज मुझे सभी प्रदेशवासियों से माफी मांगनी है। माफी इसलिए नहीं कि मैंने या हमने कुछ गलत किया है, मगर माफी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस गवर्नमेंट से, बिकॉज वी बिलीव कि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, कुछ तो कमियां रही होगी जिसकी वजह से इतना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। मैं किस तरह के जख्म मुझे दिए जा रहे हैं, वो एक दिन नासूर बन जाएंगे। मुझे बचाना है तो सबसे पहले जख्म देने बंद करने होंगे। सरकार और सरकारी तंत्र को बेतरतीब निर्माण पर रोक लगानी होगी। कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा जरूर खींचनी होगी। मेरा शिमला भी अब शिमला नहीं रहा। मेरे इस ऐतिहासिक शहर की तबाही की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर गई हैं। अगर अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए तो कल तलक काफी देर हो चुकी होगी, अन्यथा शिमला के समरहिल के शिव मंदिर सरी का प्राकृतिक प्रकोप झेलना होगा। मैं उस भयावह प्रकोप का गवाह हूँ। मेरी पीड़ा तब असहनीय हो गई जब इस प्रकोप के तले निर्दोष शिव भक्त अकाल मौत में समा गए। मैं चाहता कि फागली और कृष्णानगर हादसे की पुनरावृत्ति हो। देखिए, प्रथम दृष्टि हमने इस चीज की इंक्वायरी की है। मैंने स्वयं जाके वहाँ पर देखा कि उस घटना का जो जितना जो स्वरूप है, जिस इंसिडेंट का जितना भारी भरकम वहाँ पर लॉस हुआ, ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ, उन सारी चीज़ों को असेस किया है अपनी टीम के साथ, तो ये तो आसमान से पानी ही आया है। क्योंकि जो इम्पैक्ट जमीन पर दिख रहा है और इतने बड़े बड़े पेड़ जिस तरह से अप्रूव वहाँ पर हुए और जिस स्पीड से जो है वो सारा घटनाक्रम घटा, ऐसा जब हमने मौके पे जाकर देखा तो वो तो एक प्राकृतिक आपदा ही प्रथम दृष्टि दिखती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई अंग ढह जाए, कुल्लू मंडी में त्रासदी दोबारा न आए, कुल्लू के आने जैसा हादसा न हो। मेरी मौजूदा दैनीय हालात के लिए सब दोषी है। लालसा धन्ना सेठों द्वारा किए जा रहे बेनामी भूसौदे मुझे जख्म ही देते हैं। कुछ एक लोग पहाड़ के मौजूदा विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अतः जी, यहाँ पर मैं सन 1970 मार्च 70 से रह रहा हूँ। इसमें एक तो कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और हर एक जगह हो गई है। जहाँ
मतलब पहाड़ी नाले हरेक जगह कंस्ट्रक्शन है। सरकार से लेकर विपक्ष तक सब आपदा को रोकने के लिए अपने अपने तर्क और दावे पेश कर रहे हैं। इस बार 50 सालों में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं, इस दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। शिमला के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और चाहे वो हमारा जो शिव मंदिर का घटना, वहाँ जहाँ बहुत सारे लोगों की जान चली गई, और उसी तरह से कृष्ण नगर में भी इस प्रकार की घटना पिछले कल घटित हुई, जिसमें कि इस सारे एरिया में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्लाइडिंग जोन है ये, और स्ट्रक्चर जो बने हैं वो स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि वो इतने मजबूत नहीं है, कभी भी इस तरह की घटना हो सकती है। मेरा तो यही है सरकार से इस बात की आग्रह कि तुरंत एक बात को लेकर के पहले प्रयास किया जाए, जो अनसेफ स्ट्रक्चर जहाँ हैं इस तरफ से, उनको मुझे लगता कि फॉर द टाइम बीइंग जो है उनको इवैक्यूएट करना चाहिए, भी है तो सब कुछ है बाकी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मुझ पर सब मिलकर रहम करेंगे, मेरा अस्तित्व बचाने के लिए कड़े और कड़वे फैसले लेंगे, या फिर आपदा काल हटने के बाद सब कुछ भूला बिसरा देंगे। टिंज भारत के लिए सहयोगी उनके साथ रमेश सिंह की रिपोर्ट।